तेरे जैसा यार जहाँ, कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। आ गए आप लोग। आज फोटोग्राफ देखते देखते सब दोस्त की याद आ गई। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कितने सारे रिश्ते बनते हैं, लेकिन उन सारे रिश्तों में से हम लोग को बताया जाता है कि ये तुम्हारे माता पिता है, ये तुम्हारे भाई बहन है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे बुआ है। जो एक रिश्ता होता है ना, दोस्त वाला, वो हम ही कमाते हैं, वो हमारा खुद का बनाया हुआ होता है। बाकी सब तो बना बनाया होता है, लेकिन ये दोस्ती वाला रिश्ता हम बनाते हैं। और ये इतना गहरा होता है कि इसमें ना कोई लोभ होता है, ना कोई लालच होता है। दोस्त जो कहता है वो आँख बंद करके हम कर लेते हैं। दोस्ती का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता है, ना कोई पॉलिटिक्स होती है। उन सब विचारों से उन सब दोस्त और दोस्ती ऊपर होते हैं। दोस्तों में एगो दोस्त ऐसा होता है कि वो कोनो बात पर ओवर रिएक्ट करता है। हम जो थे, हमारा एगो दोस्त था संजय, वो रोज, हम लोग पटना पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन का टाइम था, आरा से गए थे पटना पढ़ने के लिए। हम लोग रोज चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो रोज चाय पीता था दुकान पे जाके। और जिसके पॉकेट में चेंज होता था उसका सुबह में गायब होता था, काहे कि वो संजय बाबू निकाल के जाके चाय पी जाते थे। हम लोग कभी चाय पीने जाते तो संजय बाबू वहाँ मिल जाते, तो पता चलता था कि संजय बाबू चाय के साथ बिस्किट भी खा रहे हैं, वो भी आप ही के पैसे से खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। तो एक दोस्त उसमें वैसा भी होता है जो एक सुदामा की तरह होता है, जिसके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं फिर भी वो जद्दोजहद करता है, पढ़ाई करता है। वैसा ही हमारा एक दोस्त है योगी। हम लोग घर से जो चावल गेहूँ ले कर चलते थे आरा से पटना जाने के लिए, वो पटना पहुँचा नहीं कभी। वो चला जाता था नवादा में, हमारे योगी रहते थे दोस्त उनके कमरे में। हम लोग यहाँ से ले कर जाते थे चावल और वहाँ रख देते थे और खुद चावल खरीद के खाते थे। तो दोस्ती जो है उसमें त्याग होता है, समर्पण होता है, किसी भी तरह का उसमें सेल्फिनेस नहीं होता है। तो इसको देखे तो एक बचपन का बात याद आ गया कि बचपन में हम लोग इसका जो फल है अभी पे उसको खाते थे, तो पता नहीं कितना ईंट चलाए होंगे इसका एक फल को तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं, गिर अगर एक ही टूटा तो हम सब दोस्त इसमें मिल बांट के खाते थे, किसी को कोई झूठा नहीं लगता था, सारे प्रेम से हम खाते थे। आज 50 रुपए किलो आम खरीद के खाने के बाद भी उतना मज़ा नहीं आता है, उसमें उतना मीठापन नहीं लगता है जो दोस्तों के साथ बागीचे से चोरी करके आम खाने में आता था। एक बड़ा कॉमन बात है कि दोस्त का अगर कपड़ा बढ़िया हो और साथ रह रहा हो तो सब दोस्त का नज़र उस कपड़े पर रहता है कि वो कब उतारे और हम कब पहने। दोस्त जैसे ही कपड़ा धो धा के आयरन करके रखता है कि उसको अगले दिन पहनना है, दूसरा दोस्त उससे पहले उस कपड़े को पहन के निकल जाता है। इस दौर से हम भी गुजरे हैं। इस उम्र में जो दोस्ती होती है ना, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है, भगवान से भी ज़्यादा। तो इनका नाम सनी है। क्या सनी, क्या कर रहे हो? फूल में पानी डाल रहे हो। अरे तो आज फ्रेंडशिप डे है। हाँ। तो कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड हैं जो जिससे तुम्हारी बहुत बढ़िया दोस्ती है? हाँ। क्या नाम है उनका? अफरोज। अफरोज,
इनके सबसे बढ़िया दोस्त का नाम है अफरोज। तो मतलब कैसी दोस्ती है, सब चीज शेयर करते हैं? हाँ। लेकिन अब दौर बदल गया है भैया, अब फेसबुक पे कहने को 5,000 फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन दिल में बहुत गिने चुने लोग हैं। पहले एक फ़ोन कॉल पे कितने सारे दोस्त दौड़े चले आते थे। जब हम स्टेशन आते थे तो दोस्तों का तांता लग जाता था मिलने के लिए, रिसीव करने के लिए। अब तो बगल में ही है, किसी के पास टाइम नहीं है। कहते हैं कि दोस्त ही ज़िंदगी होते हैं, और इस ज़िंदगी के भागम भाग में हमारी ज़िंदगी ही हमसे दूर होती चली गई है। तो आज रुकिए मत आप, आज फ्रेंडशिप डे है, और मेरा तो मानना है कि दोस्तों के लिए हर दिन ही खास होता है, हर दिन ही फ्रेंडशिप डे होता है। तो जितने भी बिजी रहिए अपने लाइफ में, जितने भी भागा भागी में रहिए, एक बार दोस्त सबको, कमीना दोस्त सबको ज़रूर याद कीजिए, उनसे बात कीजिए, हो सके तो मिलिए ज़रूर। काहे कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये रेलगाड़ी की तरह है। कब किसका भैया स्टेशन आ जाएगा और किसको यहाँ से जाना पड़ेगा पता नहीं। तो दोस्तों से ज़रूर कनेक्शन में रहिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। अरे रुके हुए, अरे मेरा फोन उठाइए, दोस्त को लगाइए, बात कीजिए, चलते हैं। आई बढ़िया लगे ना तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कि दोस्त को भी अपना प्रेम भेजिए।